ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रकारी भानु शशी भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु नवग्रह शांति करा भवन्तु क्रूराग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। और आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। तुला राशि वालों के लिए 6 मई का अवसर, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में विराजमान है। और साथ साथ इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा कमजोर अभी भी बना हुआ है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा। इससे आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा। ध्यान रखते हुए इसको उपाय को करने से कुरेज मत कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए प्रथम सुख निरोगी काया शास्त्र कहता है। और चंद्रमा जिस कारण से है मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, आलस्य उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। छोटा सा उपाय है, चावल का दान, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र करते हुए दूध का अभी दूध से अभिषेक सुंदर रहेगा, लगेगा कुछ नहीं लेकिन लाभ अवश्य देगा। 6 मई की तिथि के बाद हम बात कर लेते हैं 7 मई की। मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और चंद्रमा के परिवर्तन के साथ साथ ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बन गया है। सुंदर तरीके से नए विचारों को उत्पन्न करने वाला है और ये आपके लिए कई तरह से सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देगा। ऐसे में इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। मंगलवार का अवसर, कोशिश करें सुंदर तरीके से हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को। इन दिनों मंगल महाराज जो हैं वो राहु के साथ युक्त चल रहे हैं और मंगल जो विशेष तौर पर जब राहु के साथ युक्त चलते हैं तो पराक्रम में ग्रहण लग जाता है, तो ऐसे में सुंदर तरीके से मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, ऐसे में मंगल को शक्ति दें और हनुमान जी का पूजन करें हनुमान जी के आशीर्वाद से। जब हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो अद्भुत रूप से बुद्धि भी विकसित हो जाती है और साथ साथ सही मार्ग भी मिलने लग जाता है। जापर एक पुरानी कहावत है ना, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, तो हनुमान जी का अवश्य स्तवन करके इस दिन अपने ग्रहों को अनुकूल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, सुंदर तरीके से जो दोपहर को करीब करीब 3:30 बजे तक रहेगा तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं 8 मई की यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज अभी परिवर्तित हुए थे, अब होने जा रहे हैं अस्त आने वाले करीब करीब 22-23 दिन के लिए। ये चंद्रमा जो है बृहस्पति महाराज जो है अस्त हो जाएंगे। ये परिवर्तन करने के लिए आपका जो ग्रहों का योग बना था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर स्थिति में जा सकता है, ऐसे में बृहस्पति को नित्य प्रति ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति का 6ठे भाव में जाना कहीं ना कहीं मन को उदासीनता को उत्पन्न करने वाला रहेगा, लेकिन यहाँ बृहस्पति के अस्त होने से मन में जो वीतरागिता उत्पन्न हो रही थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसे में मंदिर में पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का स्पेशल पूजन करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अमावस्या है और तो हो सके तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, वो भी अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनाएगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जो बृहस्पति के अस्त होने से क्या प्रभाव रहेगा, उसमें कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपके ग्रहों के योग ग्रह योग का निवारण हो सके, कष्टों का निवारण हो सके, वो अलग से वीडियो देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर जाकर। 9 मई की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और द्वितीय क्षय है। ग्रहों का योग चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होकर बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना रहे हैं, धन लाभ की स्थिति को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में बंधन को त्यागने के लिए सबसे अच्छा है कि केले का पूजन करें, केले का दान करें, ये सब उपाय करिए, कल्याण होगा। 8-10 मई को ग्रहों का योग दिखाता है, बुधवार का अवसर, तृतीय तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा लेकिन वो शाम के समय होगा। दोपहर तक सुबह तक जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए वो अच्छे बन रहे हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग चल रहा है, धन लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़े खर्चे भी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें। अक्षय तृतीया है इस दिन, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया वैसे तो कंसूस साया मानी जाती है, बहुत सारे लोग भ्रांति के तौर पर इसको ऐसा ले लेते हैं कि कोई भी कार्य इस दिन आरंभ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा अक्षय तृतीया पे इस बार बृहस्पति भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, तो विवाह इत्यादि बड़े कार्य जो हैं, मकान का मुहूर्त, विवाह इत्यादि, मंदिर का मुहूर्त, ये सब करने इस शुभ योग में पूरी तरह से फलित नहीं होंगे, नुकसान दे सकते हैं, तो ये मुहूर्त पूरी तरह से शुभ नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे बहुत चीज़ समझ कर काम कार्य करने का प्रयास कीजिए। बुध भी प्रवेश करने जा रहे हैं इस दिन विशेष तौर पर मेष राशि पर, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, नया मोटिवेशन उत्पन्न करेगा और ये परिवर्तन जो है आपके लिए शुभ ही योग बनाते दिखाई देंगे आने वाले समय में। और देखिए ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं,
हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना यह है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रेवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग है, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रेवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने एस्टैब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र कुंडलनी जागरण इत्यादि, और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों को का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके समस्त विधान को बहुत सुंदर तरीके से बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10-10:30 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से, आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है, पवित्र वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है, कहा गया यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला, कोई फर्क नहीं है। ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया, सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है, और सब मूर्ति पूजा के उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है, और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पर सनातन पद्धति में जो बनाई गई है, मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का शिव विग्रह शक्ति का संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद पूजने योग्य नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे शास्त्र संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर निस्तेज भी कर सकते हैं, और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है।
यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सबका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित हैं उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्शति के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयां काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा के का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर या केवल टोटके कर उस शास्त्र को विशेष तौर पर ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पर अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक ही तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े बचपन से, हम देखते आए हैं कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पर। अरे क्या करना चाह रहे भाई, ज्योतिष को वास्तविक तौर पर एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझ कर, ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो आस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोस का फायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा, इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाता है तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीता मृद्वेन। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं लिंगम निर्वाणकम चाष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं, तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार जो बुद्धि सोई है अस्त है उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं, यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क कुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।